अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और हमारा नाश्ता हो गया, क्लीनिंग मैंने की है अभी, और पौधे लाए थे मेरे हस्बैंड, वो मैंने आपको दिखाया है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि सफाई शफाई करने के बाद ना, अब वो किस तरह से मैंने रखे हैं, कहाँ रखे हैं। सेटिंग वैसे चेंज होती रहती है गमलों के भी, मुझे इसमें भी सुकून नहीं है। जहाँ पर अच्छा लगा वहाँ पर रख लिया, थोड़ा सा चेंज मिलता है, अच्छा लगता है। आप भी इस तरह से सेटिंग करके देखा करें, थोड़ी सी चेंज करके इधर उधर करके देखें, चीज़ें हिलाएं तो देखने में भी अच्छा लगता है, हर चीज़ न्यू लगने लगती है। तो ये वाले पौधे लाए थे, ये देखें इस तरह से। वो जो पेंट है ना उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और पेंट होने वाला है, हो जाएगा। ये वाले मैं आपको दिखाऊँ, अच्छा ये वाला जो है ना, इसका मुझे नाम नहीं पता, भूल गया, हालांकि वो नर्सरी वाले तो बताते हैं कि इसका क्या नाम है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ग्रीन वाला, ये मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। ये है लेडी पाम, इसका नाम है लेडी पाम, इसका नाम है। और ये वाला, ये भी, इसका भी नाम मुझे नहीं याद, ये फिर से वो ही लेडी पाम। और ये वाला जो है, ये वो उस पौधे के साथ का है, दो दो पौधे लिए हैं। और इस दफ़ा ना, अच्छा जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, हमने बहुत दफ़ा पौधे ख़रीदे हैं, हर दफ़ा हर सीज़न में, मगर वो ग्रो ही नहीं होते। अब हमने ये कि हमने सोचा शायद ये गमलों की वजह से ऐसा है कि गमले छोटे हैं और पौधे जब थोड़े से ग्रो करते हैं तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से हम गए कुम्हार के पास, जहाँ से यूँ समझे कि होल सेल रेट पे जो गमले मिलते हैं, वहाँ से हम ये गमले लाए हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ये सारे पौधे लगाए हैं, अब इसमें इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और पौधे ख़राब नहीं होंगे। जितने पैसे हमने उन पे लगाए, हर दफ़ा आई थिंक सो 2000-2500 के हम पौधे ख़रीद के ले आते थे गमलों के साथ ही। तो इस दफ़ा हमने ये वाला जो गमला है ना, बड़े वाला, 75 रुपीज़ का है, तो सॉरी 70 रुपीज़ का है। वो मेरे जेठ लाए थे तो वो लाए हैं 75 रुपीज़ का। हमें मिला है 70 रुपये का एक गमला और हमने ख़रीदे हैं 10 गमले। तो 5 पौधे ये हैं और मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखें। और ये वाले गमले हैं, ये इस तरह से, ये वाला पहले वाला गमला है, पुराने वाला। तो ये जब आया है ना पौधा, उसी दिन इस पर बहुत सारे फूल लगे हैं, मोतिया पे। ये मोस्ट फेवरेट पौधा है मेरा, इस पर फूल जो आते हैं ना, बहुत ही खुशबू इनकी इतनी हसीन होती है ना, प्यारी होती है बहुत ज़्यादा। और वो नीचे जो गमला सूखा पड़ा है, वो है जी पुदीना, वो सूख गया क्योंकि गमला छोटा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मियों में कम ही पुदीना जो है ना ग्रो करता है। अच्छा ये वाला भी पौधा और वो वाला पौधा जो रेड फूल जिस पर आया है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों पाम के हैं, एक मोतिया का है, दो मोतिया के हैं सॉरी। ये वाले जो थे, दो पौधे थे, हमने एक ही गमले में लगाए हैं ताकि ये ग्रो कर जाएं। और यहाँ पे एक पौधा है, ये वाला माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, इसके पत्ते ग्रीन से बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये वाला है रात की रानी, अल्लाह करे अब इस पे भी फूल आ जाएं। तो ये वाले पौधे हैं, ये वाला फूल देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये इसका पहला फूल है इस पौधे पे, देखें बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये वाला, ये पाम है और इस पे भी एक फूल आया, बाकी ये देखें ये सारे फूल इस पे ना आए थे और ख़त्म हो गए। कलर बहुत ही प्यारा आ रहा है पौधों का। घर में पौधे होना थोड़ी सी फ्रेशनेस फील होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, अच्छा लगता है। देखें तो 5 गमले वो हैं और ये हैं, इस तरह की लुक है। अच्छा वो भी आप देख लें, वो मैंने पाइप लटकाया हुआ है कि जब मैंने पौधों को पानी देना होता है तो वहाँ से लिया और पानी दे दिया, फर्श धो लिया। अच्छा जी, तो ये है आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा चेंज बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये देखें पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, हवा चलती है तो इतने अच्छे लगते हैं। और यहाँ से ये वाले इस तरह से है। तो अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे ही चारपाई रख लेते हैं,
या चेयर वगैरह रख लेते हैं, चाय पीनी हो तो मैं मेरे हस्बैंड हम यहाँ पे बैठ के चाय पी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह हवा भी बहुत अच्छी आ रही होती है यहाँ ऊपर सीढ़ियों से। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।